नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। कल दिल्ली में गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है और इस साल का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया जा रहा है। पीआईबी ने अपनी विज्ञप्ति में ये कहा है कि इस संस्थान ने लगभग 100 सालों तक गांधीवादी मूल्यों की का प्रचार किया है, प्रसार किया है। लेकिन अगर हम इसका इतिहास देखें तो बरक्स ये कुछ और कहानी कहते हैं। इसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हैं आज हमारे साथ अक्षय मुकुल। अक्षय जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी एक किताब थी गीता प्रेस पे, गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। अक्षय सर, शुक्रिया न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए। अगर हम पीआईबी की ये पूरी देखते हैं, लेट्स से विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज हम कहें, तो वही कह रहे हैं कि गीता प्रेस ने गांधीवादी मूल्यों का विचार प्रसार किया है। कितना गांधीवादी था ये काम आपका, आपकी नज़र में? देखिए, गांधीवादी जो प्रेस रिलीज, जो मैंने भी कल पढ़ा वो प्रेस रिलीज, जो प्रेस रिलीज जिस बात को, मतलब इसको कहेंगे एक कंफ्यूजन फैलाना, जो मैं मानता हूँ कि वो कंफ्यूजन फैलाने वाली बात है। क्योंकि जहाँ तक गांधी का सवाल है और गीता प्रेस का सवाल है, ये मैं आपको बता दूँ कि जो इसके संस्थापक संपादक थे, जो 40 वर्ष से भी ज़्यादा संपादक रहे और वो काफ़ी अहम, मतलब गीता प्रेस को अगर कहा जाए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ जोड़ा जाता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि सिनोनिमस हैं एक दूसरे से, तो उनके बहुत ही करीब रिश्ते थे गांधी के साथ, ये बात तय है। पहली बार जब गांधी साउथ अफ्रीका से आ रहे थे तो पोद्दार उनसे कलकत्ता में एज ए यंग हिंदू महासभा के कार्यकर्ता के रूप में 1915 में मिले थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये इनकी पढ़ाई हुई, फिर इन्होंने बिजनेस कुछ शुरू किया और बाद में गांधी से बम्बई में बहुत क्लोज हुए। जमनालाल बजाज जी को जानते थे और उनके थ्रू वो गांधी से बहुत, गांधी उनको बहुत मानते थे, ये बात सही है। गांधी कहते थे कि जब किसी को भी नहीं अगर उनके आने की अनुमति थी तो पोद्दार आ सकते। और फिर क्या हुआ कि गांधी से इनके इतने पारिवारिक रिश्ते, इनके मतलब जिसको निजी रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते ज्यादा, इनके बहुत अच्छे निजी रिश्ते थे। तो जब 1926 में कल्याण मासिक शुरू हुआ तो उसको आशीर्वाद लेने पोद्दार और जमनालाल बजाज गांधी के पास गए और गांधी ने उनको दो बातें कही कि कभी विज्ञापन मत लेना और दूसरा पुस्तक की समीक्षा मत कर। विज्ञापन इसलिए क्योंकि विज्ञापनों में बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाती है और आप उसके एक दोषी हो गए, क्योंकि आप किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए बढ़ा चढ़ा के बातें की जाएंगी और फिर क्या होगा कि पैसे आने लगेंगे और आप उसको रोक नहीं पाओगे। दूसरी चीज है कि अगर आप पुस्तक की समीक्षा ईमानदारी से करते हो तो आप, हो सकता है किसी जानने वाले की पुस्तक को आप बहुत, उसको कहते हैं आप बढ़ा देंगे, प्रसार करेंगे, क्रिटिकल बहुत होंगे और उससे आपके रिश्ते खराब होंगे, तो करो ही मत। और आज तक कल्याण पुस्तक की समीक्षा और विज्ञापन नहीं लेता, जबकि इसको बनाने में बहुत बड़े बड़े मारवाड़ी इनके ट्रस्ट में थे और वो कभी भी उनको विज्ञापन दे सकते थे। उसके बाद गांधी से इनके निजी रिश्ते इतने अच्छे थे कि 1932 में जब गांधी के पुत्र देवदास गांधी गोरखपुर के जेल में थे तो उन्होंने उनका बहुत ख्याल रखा और वो बीमार थे जेल में, और खुद गांधी यरवड़ा जेल में थे और वहां से अगर आप देखें तो उन दोनों के बीच काफी पत्राचार और टेलीग्राम चल रहा है कि उनको एक पिता की तरह, वो बहुत चिंतित हैं बेटे को लेकर, और गांधी पोद्दार ने उनका बहुत ख्याल रखा बात। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक गांधी के जहां सोच की बात आती है, जहां आइडियोलॉजी की बात आती है, तो वहां पे दिक्कतें शुरू हुई। एक जो गांधी का जो गीता का रूपांतर था, उन्होंने गीता प्रेस ने कभी नहीं चाहा, वो इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि गांधी गीता को हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं मानते, जबकि ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, इनके इनके लिए हिस्टोरिकल टेक्स्ट था, तो उन्होंने कभी नहीं छापा। दूसरी बात, 1932 के आते आते जब पूना पैक्ट होता है और उस वक्त क्या होता है कि जब मंदिर प्रवेश और सह भोजन, इसकी एक मूवमेंट शुरू होती है और पोद्दार बहुत नाराज होते हैं कि गांधी उपवास पे चले गए हैं और रोज नए नए मंदिर अपने दरवाजे खोल रहे हैं,
हरिजनों के लिए, दलितों के लिए, और इस बात को लेकर वो बहुत नाराज होते हैं। और उन्होंने वो एक लंबा पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्या कोई मंदिर में प्रवेश करके कोई क्या हरिजन ये हो जाएगा, उच्च जाति का हो जाएगा, वो तब तक नहीं होगा जब तक वो ठीक से नहाए नहीं, खाए नहीं, मांस वगैरह से दूर रहे। तो वो एक तो, और सहभोजन का जहां तक सवाल, उन्होंने खुद गांधी को जिसको कहते हैं आईना दिखाने का काम किया और कहा कि आपने 1920 के दशक में आपने खुद लिखा था कि सहभोजन साथ खा लेने से कोई बराबर का नहीं हो जाता है, अब क्या हुआ आपकी सोच का। लेकिन गांधी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि गांधी जिसको इवॉल्व करते हैं हमेशा, गांधी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। तो गांधी कहते हैं मैंने कहा था, मैंने वो कहा था और उस वक्त मैं सोच रहा था ऐसा, लेकिन अब मैं नहीं सोच रहा और अब मैं इसको मानता हूं कि हिंदू धर्म ने, उच्च जाति ने बहुत बड़ा अपराध किया है कि एक बहुत बड़े तबके को, ज्यादा बड़े तबके को आपने उसको बहुत उसके साथ क्रूरता की और इसका कभी ना कभी आपको इसका वो इस पाप को आपको धोना पड़ेगा। और इस बात से लेकर एक नाराजगी बनती क्योंकि इसलिए क्योंकि गीता प्रेस सनातनी हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा था, ये चतुर्वर्ण में विश्वास करता है, ये मंदिर प्रवेश के खिलाफ है था हरिजनों के, ये बाकी सहभोजन के खिलाफ था। वो कहते थे कि आपने जैसा काम किया है वैसे ही आप पैदा हुए हैं, आप इस जन्म में अच्छा काम कीजिए ताकि अगले जन्म में आप फिर उच्च जाति में पैदा हो सके, उनका ये कहना था। वो कहते थे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते लेकिन क्या करें, आप पैदा ही नीच जाति में हुए। तो एक सवाल सर ये है कि मतलब जब हम गांधी का सबसे इम्पोर्टेंट काम देखते हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद शुरू होता है, जब वो जो है नोआखली और बाकी जगहों पे जाके वो जाते हैं और ये दंगे रुकाने की कोशिश करते हैं और उसमें जो है पुद्दार ये लिखते हैं कि मतलब अगर हिंदुओं को सही मायनों में मुसलमानों से सम्मान पाना है तो वो एकता के साथ रहें। तो ये जो पूरा जो एक हम ये कहें कि गांधी का एक काम ये है और बिल्कुल उसके वृक्ष जो उनका जो दूसरा जो स्टैंड है इसको आप कैसे। तो इसमें भी अगर आप देखें 40 के दशक में जब आपको लगता है कि ये अब स्वतंत्रता आने वाली है, फिर लगता है कि देश का विभाजन अब होने ही वाला है, 45-46 आकर लगता है विभाजन अब हो जाएगा और इसको रोक नहीं सकते तब, और नोआखली जैसा जिसका आपने जिक्र किया, नोआखली जाने पे ये बहुत नाराज होते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार। और उस वक्त के कल्याण को अगर आप देखें 45-46-47 के कल्याण को अगर आप देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही कल्याण है जिसका जिसको कहते हैं जिनका मोटो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य, न कहीं भक्ति है न ज्ञान है न वैराग्य, वो पूरा का पूरा वो एक जिसको कहते हैं वो राजनीतिक हो चुका है और सांप्रदायिक हो चुका है और वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि आप देखें उनका एक 12 पॉइंट का एक एजेंडा वो छापते हैं, इसमें वो कहते हैं कि आर्मी में सिर्फ हिंदू होगा, देश का ध्वज जो है भगवा होगा, दुनिया और हम मुसलमानों को सरकारी नौकरी में उतने ही देंगे परसेंटेज जितना वो हिंदू पाकिस्तान में देंगे। तो इस तरह तरह की बातें, वो एक रक्षा दल बनाने की बात करते हैं, मिलिशिया बनाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया तो फिर ये हिंदुस्तान वो कह हिंदुस्तान कहते हैं देश का नाम बदलो। तो ये उस मामले में भी गांधी के साथ इनके बहुत ज्यादा मतभेद और वो गांधी से तब तक जिसको कहते हैं ना वो त्रस्त हो चुके, गांधी से उनको लगता है कि बहुत ही मतलब जितने लोग थे अगर आप देखें उस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग हैं गांधी से उनको सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि गांधी सनातनी है और वो सनातनी होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए क्योंकि गांधी के खिड़की दरवाजे खुले हुए इनके खिड़की दरवाजे बंद। तो महिलाओं का प्रश्न हो, जाति का प्रश्न हो, धर्म का प्रश्न हो, राजनीति का प्रश्न हो, गांधी हमेशा नए आइडियाज और वो खुले मानते हैं कि हाँ मैंने गलती कहा था पहले अब मैं बदल रहा हूँ तो क्या हुआ। और ये इससे तो वो कहते हैं जब आप जैसे देखिए शादी जब ये धर्म जाति की बात हो रही है तो एक शादी होती है जिसमें एक दलित पंडित उस शादी को कराता है और गांधी उस दंपति को नव दंपति को आशीर्वाद देते हैं। तो पोद्दार कहते हैं कि अब हम करें क्या इस आदमी का, प्रॉब्लम ये है कि इनके भक्त इतने हैं कि सब लोग इनके पीछे जा रहे हैं
उनको लगता है ये तो सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो गांधी है। उनकी हत्या के बाद में बिरला ने उनसे संबंध भी तोड़ लिया। हाँ, उसके बाद जब हत्या होती है जो हजारों लोगों को जब जेल में डालते हैं तो इन दोनों को भी जेल में डालते हैं। ये सबसे बड़ा आयरनी है कि आज गांधी पीस प्राइज की बात कर रहे हैं, गांधी की हत्या के बाद संदेह पर ही लेकिन इनको किया गया। और जब बद्रीदास गोयनका इनको छुड़वाने की बात करते हैं तो जी डी बिरला कहते हैं कि हम नहीं छुड़वाएंगे, सनातन धर्म नहीं शैतान धर्म कर रहे हैं। तो इससे बड़ा आयरनी क्या हो सकता है कि उनको फिर गांधी शांति पुरस्कार दिया जाए। और ये तो सर एक और जो चीज है जो हम आपकी किताब में पढ़ते हैं ना, जब हिंदू कोड बिल का सवाल आता है पूरी की जो ना महिलाओं को जो है प्रॉपर्टी में राइट्स की और बाकी सारी चीजों की बात आती है, हम यहाँ पे भी देखते हैं कि गांधी और गीता प्रेस या फिर पुदार जो है वो दोनों अलग-अलग है। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? इसको वही जो मैंने कहा कि गांधी का इवोल्यूशन है, हर चीज में है। गांधी चार लोगों से बात करते हैं, अगर आप उनके 100 वॉल्यूम है अगर आप कभी ऐसे ही उठा ले कोई वॉल्यूम पढ़े आप तो लगेंगे कि गांधी जब लोगों से डिबेट करते हैं तो वो उसको सुन भी रहे हैं। वो ये नहीं कि मैं महान हूं और मैं अपनी बात कह रहा हूँ, वो बहुत लोगों से सुन रहे हैं। अगर आप उनके पत्राचार रेहाना साहब जी के साथ देखें जो उनके बहुत करीब थी और बहुत मतलब तो वो सीख रहे हैं लगातार। तो हिंदू कोड बिल पर भी उनका जो है वो कहते हैं कि नहीं ये जो हो रहा है ये महिलाओं को मिलना चाहिए। और ये कहीं पे भी जितने अहम मुद्दे हैं जिसपे इनको लगता है कि एक सनातनी होने के नाते गांधी हमें समर्थन करें, गांधी नहीं करते। गो हत्या को लेकर गांधी वो बाद में ये लोग कहते हैं कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गांधी ने कभी लीगली ये माना मांग की ही नहीं कि गो हत्या को बैन किया जाए। गांधी ने बाई लॉ काउ स्लॉटर के खिलाफ थे और इससे इनको बड़ी दिक्कत होती थी कि इसलिए हुआ। तो हर अहम मुद्दे पे गांधी इनके एक बड़े परिवार एक निजी रिश्ता अलग है लेकिन एक जिसको वैचारिक रिश्ते वैचारिक रिश्ते इनके ठीक नहीं थे। हालांकि बीच बीच में आपको वो एक दोनों के बीच एक पुरानी गर्म अब 1937 में उनको एक स्वप्न आता है कि गांधी अब नहीं रहे। गांधी कोई कहता है उनके स्वप्न में पोदार के स्वप्न में कि गांधी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे और उनको कहो कि वो अब जरा पूजा पाठ ज्यादा करे। तो और वो गांधी को बताते हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा तो गांधी बोलते रहे तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और दोस्तों का क्या है 100 साल भी जिंदा रहूंगा तो उनको लगेगा बहुत कम। तो इस तरह से भी कभी कभी वॉर्म्थ है। बीच में उनको गो सेवा संघ के लिए गांधी बोलते हैं बजाज को कि इनको मेंबर बनाओ और वो कहते हैं कि चलो। तब तक इनकी बहुत नाराजगी है, 40 का दशक शुरू हो चुका है, 1940 का साल है ये और ये कहते हैं कि चलो गांधी के काम से बापू के प्यार का क्या मतलब। ठीक है और ये भी करते हैं लेकिन इनको सबसे बड़ी इनको जो समस्या है गांधी से की आइडियोलॉजिकल समस्या। तो इस पे जो सर एक जो चीज है कि आपने जो ये जो पर्टिकुलर बुक है उसमें गीता प्रेस को ये भी कहा कि ये फुट सोल्जर्स हैं आरएसएस के जी। ये कैसे मतलब ये पूरा किस तरीके का जो है? देखिए गीता प्रेस का की जो सबसे बड़ी खासियत जो है गीता प्रेस के कि वो एक साधारण हिंदू परिवार में पढ़ा जाता है। जो कल्याण पढ़ता है कोई जरूरी नहीं कि वो सांप्रदायिक एकदम नहीं, उसको लोग अलग अलग वजह से पढ़ते। आपके हमारे घर में जो कोई बूढ़ी महिला होंगी या कोई बूढ़े जो हमारे पूर्व में होंगे दादा परदादा वो इसलिए पढ़ते हैं या पढ़ते थे क्योंकि उनको लगता था कि चलो इसमें बहुत तरह तरह की धार्मिक बातें हैं। महिलाओं को ये पता चलता था उपवास किस दिन रखना है नहीं रखना है किस दिन क्या करना है उसका बड़ा जो उनका लंबा चौड़ा वो पंचांग की तरह हर महीने आता है कि आज ये शुक्ल पक्ष है आज कृष्ण पक्ष है जो भी है तो उसके लिए पढ़ते। लेकिन और उन ये समय समय पर जिसको मैं अंग्रेजी में अगर वो शब्द इस्तेमाल कर सकूं तो हर फ्लैश पॉइंट ऑफ हिस्ट्री है 1926 के बाद उसमें ये लार्जर जो हिंदू राष्ट्रवाद का जो के जो तरह ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलके काम कर। फिर आप देखें तो हिंदू महासभा का अपना कोई है उनका जर्नल कुछ आरएसएस का भी है पांचन बात भी आता है लेकिन उनकी बातें साधारण हिंदू परिवार में लोगों के बीच पहुंचाने का काम कल्याण करती है। अगर आप देख लें 1932 में मंदिर प्रवेश को लेकर जो हंगामा हो रहा है तो उसमें जो हिंदू महासभा हालांकि उसके फेवर में थी मंदिर प्रवेश के लेकिन बाकी लोग जो खिलाफ थे उनकी सब बातें कल्याण एक निचोड़ बन जाता है एक वाया मीडियम है लोगों तक पहुंचाने के लिए।
तो इस तरीके से कल्याण ने, गीता प्रेस ने पिछले 100 साल में जिसको कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक, ब्रिक बाय ब्रिक एक कॉन्सियसनेस, हिंदू कॉन्सियसनेस को खड़ा किया। और रहा राजनीति का प्रश्न, तो अगर आप देख लें तो 47 के बाद भी 1951-52 के चुनाव में वो छापते हैं कल्याण में, वैसे तो कहते हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य का मासिक है, लेकिन वो छापते हैं कि वोट किसको दे, और वो वोट किसको दे, हिंदू क्या करें, हिंदू क्या करे, तो उसमें क्या कहते हैं वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के फेवर में वो काम कर रहे हैं, वो करपात्री महाराज के फेवर में काम कर रहे हैं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नेहरू के खिलाफ फूलपुर से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप, वो नाम नहीं लेते, वो कहते हैं, वो तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को सपोर्ट करते कहते हैं, लेकिन वोट उसको करो जो गौहत्या के खिलाफ हो, जो ये करे, दुनिया भर की चीजें, जो यूनिफॉर्म से भी, मैंने इस तरह की उनके जो कुछ पेट थीम्स हैं, और ये सिर्फ 51-52 के चुनाव में नहीं है, ये आप 2014 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में भी कहते हैं वोट किसको दें, पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन आप कोई भी पढ़ने वाला समझ जाएगा किस पार्टी को वोट करना है। तो ये उतने ही राजनीतिक गिरा। और अगर पहला जो कल्याण का जो पहला अंक है 1926 का, जब बंबई से छपा एक साल, उसमें एक उन्होंने संपादकीय लिखी पोदार जी ने, जिसमें बहुत, मैं उसको मानता हूँ टेम्पलेट है वो गीता प्रेस का, जो अभी तक बदला नहीं, जिसमें उनके जो, जिसको कहते हैं जो इश्यूज उनको बहुत परेशान करते हैं, गोहत्या, महिला का प्रश्न, एक हिंदू एकता का प्रश्न, और वो कहते हैं कि हिंदुओं में की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें संघ बल नहीं, क्योंकि दूसरे धर्म वाले क्या करते हैं, और वो इशारा इस्लाम की तरफ है कि वो एक भाषा में बात करते हैं, हम एक भाषा में हमें बात करनी चाहिए। और गीता प्रेस इस काम को बहुत ही अच्छे से करता है। देखिए, गीता प्रेस कभी हिंदू महासभा को अटैक नहीं करता, जबकि हिंदू महासभा से उनके बहुत सारी चीजों पे विचार मिलते नहीं है, मंदिर प्रवेश को ही लेकर वो और कितने भी संप्रदाय हैं जो अलग अलग, जिनके ये, उन सब से वो भले लिखवाते हैं उन सब चीजों पे जिन पे दोनों का एक मत है, लेकिन वो कभी एक दूसरे को अटैक नहीं करते। तो जिसको कहते हैं ना कि हिंदुओं के लिए एकमात्र, जिसको कहते हैं कि सोल स्पोक्स पर्सन बनने वाली बात, गीता प्रेस उस पर काम कर रही है, और वो बहुत सक्सेसफुली कर रही है। और जब भी बात पहुंचानी हो, पूरे 40 के दशक में आप, जैसे मैंने बताया वही हुआ 50 में, फिर आप बाबरी, बाद के दशकों में आप देख ले, बाबरी मस्जिद में जब रामलला की स्थापना हुई है वहां पे, तो उसी साल गीता प्रेस में पोदार ने पहले मंदिर बनाने का 1500 रुपए से फंड शुरू किया था। ये 1949 में शुरू हो गया था, रामलला के स्थापना के बाद। हाँ, और वो आइडिया पोदार का था। फिर आप राम सेतु, जिसमें नैयर ने भी योगदान, नैयर वगैरह सब ने योगदान दिया उसमें। तो ये इनका हर 60 के दशक में जो सबसे बड़ी हिंसा होती है दिल्ली में, जो बीच दिल्ली में संसद के पूरे इलाके में कामराज के घर को अटैक किया जाता है, ये गोरक्षा वाले जब अटैक करते हैं पार्लियामेंट में उसमें, तो उस गोरक्षा समिति के अगर आप देखें कर्ता धर्ता गोलवलकर हैं और पोदार हैं, और वो गीता प्रेस अगर आप देखें उस वक्त, तो गीता प्रेस लगातार, जिसको कहते हैं, आक्रामक रुख है, और वो अटैक किए जा रहे, लगता ही नहीं कि इनको धर्म की बात कर, ये भी धर्म है उनके लिए, ये भी धर्म है, गाय की गोरक्षा उनके लिए बहुत बड़ा। रहा महिलाओं का प्रश्न को लेकर वो बहुत चिंतित है, क्योंकि महिलाओं का जहाँ तक है वो महिलाओं को लेकर उनका है कि महिला जो है जब लड़की पैदा होती है तो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी है, बाद में पति की जिम्मेदारी है, बाद में बेटों की जिम्मेदारी, उसका अपना उसकी अपनी अस्तित्व नहीं। और महिला जो है वो चार दीवारी की मालकिन है, एक वो इनर आउटर वर्ल्ड की पूरी एक थ्योरी देते हैं हनुमान प्रसाद पोदार, कहते हैं कि इनर वर्ल्ड महिलाओं का है, आउटर वर्ल्ड मर्दों का है, और इनर वर्ल्ड में महिलाओं का काम है कि बढ़िया मर्द बच्चे, हाँ, उनको आप परवरिश करें, उनको अच्छी शिक्षा दें और उनको बाहर ले। वो हिटलर का अपील भी छापते हैं, एकदम हिटलर का अपील भी छापते हैं हिटलर, और इस तरह के लोगों की माओं को वो बोलते हैं कि देखिए इनकी माएं कितनी थी अच्छी थी। तो एक मेल चाइल्ड का जो ऑब्सेशन है वो गीता प्रेस सेलिब्रेट करती है। और महिलाओं का जहां तक सवाल है, वो कहते हैं कि महिलाओं का कुछ अपना नहीं,
महिलाओं की सेक्सुअलिटी ये मर्दों का बिजनेस, और उसी में एक अदरनेस जिसको मुस्लिम को लेके क्रिएट किया जा सकता है कि आप टांगे मत लो, ये चूड़ी वालों के पास मत जाओ, जो मुसलमानों का जो एक वो क्रिएट किया जाता है आप, और आप देखो विधवाओं के साथ, विधवाओं के साथ जो एक पूरा लंबा चौड़ा उनका एक है कि आप क्या कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, और किसके साथ रह सकती हो, कहाँ क्या है, और जिसको कहेंगे बेसिकली महिलाओं पे एक, महिलाओं का यह कि महिलाओं को अपने आप पे कंट्रोल नहीं, जो गोयंदका लिखते हैं कि महिलाओं के को अपने सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल नहीं, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक मर्द चाहिए, तो वो एक पूरा मोरल यूनिवर्स है जो बहुत ही भयावह और बहुत ही, लेकिन ये चल रहा है। मैं आपको बताऊं 1926-27 में उनकी स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी एक पैम्पलेट आई और वो अभी तक छप रही है, लाखों लाख छप चुकी है। ये दो लोगों के बीच वार्तालाप है, सरला और सावित्री के बीच, और वो सावित्री जो कि ज्ञानी है और सरला जो बड़ी सीधी है, उनको वो बता रही है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, सिंदूर कैसे लगाना है, सिंदूर कैसे लगाना है, पति के साथ आपको कब, आप कितने बार सहवास कर सकते हो, संभोग कब करोगे, हर चीज, विधवाओं को क्या करना है, तो सब कुछ वो कर रही है। और वो बहुत, अगर आज की किसी महिला को हम दे दें बड़े शहरों में तो बहुत बोलेंगे कि मतलब कोई भी, और जिसको कहें कि वाजिब होगा उस पर आउटरेज होना, लेकिन ये भी है कि वो लाखों में बिक रहा है, कोई तो पढ़ रहा है, कोई तो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इनका जो वो है ना एक जिसको कह लें गीता प्रेस का ये वैभव या प्रसार और जो भी कह लें, वो धीरे धीरे, और उन्होंने बहुत अहम भूमिका अदा की है जिस कगार पे अभी हम खड़े हैं उसमें, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे अक्षय मुकुल, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ।